I am Rajni Narsulekar from my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. Hi friends, Namaste. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे पापा ने अपने जीवन काल में ओम नमः भगवती नमः लाखों करोड़ों लिखे थे। उसके बाद में मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं एक छोटा सा भगवती का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, महिषासुर मर्दिनी का मंदिर छोटा सा मैं उनके लिए बांधूं, जो मैंने 1996 में बांधा है, छोटा सा मंदिर। इस मंदिर में जो मूर्ति आई है, ये मूर्ति के पीछे भी एक कहानी है। ये मद्रास से आई थी, चेन्नई से आई थी, राइट? और इसके बारे में मैं फिर किसी दिन आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये छोटे से मंदिर के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई है। और मंदिर के यहाँ सुबह सुबह का धूप आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, राइट? लेकिन फिर भी बिल्डिंगों के बीच में से, गली के बीच में से सुबह की पहली किरण माताजी के चेहरे पे गिरती है, राइट? और थोड़ी देर में पूरा उनका शरीर धूप में, पूरा शरीर उनका धूप में भीग जाता है, राइट? और इस माताजी के सामने एक स्वयंभू, राइट, शिवलिंग है, जो संतोष रघुनाथ सुतार, ये तुंगारेश्वर गए थे, राइट, प्रिंसिपल, मदर इंडिया मिशन इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल है श्री संतोष रघुनाथ सुतार। ये तुंगारेश्वर गए थे 1996 में। वहाँ उनको, जब वो श्रावण महीने में तुंगारेश्वर जा रहे थे, तो नदी की तरह पानी चारों ओर बह रहा था, और उसी पानी में से उनको एक शिला मिली थी जो शिवलिंग का स्वरूप थी। वो शिवलिंग, वो शिला उठाकर लेकर आए और इस मंदिर में स्थापन कर दिया। ये जो माता जी चेन्नई से आई है, राइट, भगवती माता, नवदुर्गा माता, शेरावाली माता, जो मूर्ति चेन्नई से आई है, इस मूर्ति के सामने ये शिवलिंग स्थापन किया है। और इस शिवलिंग के ऊपर भी सुबह की सूरज की पहली किरण शिवलिंग पे भी गिरती है, और पूरा मूर्ति, दोनों मूर्ति शिवलिंग में, धूप में पूरी भीग जाती है। इतना सुहाना और रमणीय दृश्य होता है ये सुबह सुबह का, राइट? इसलिए मैंने खास ये वीडियो बनाया कि ये जो माताजी चेन्नई से आई थी, इसके बारे में मैं ज़रूर एक दिन एक ख़ास वीडियो बनाऊंगी। और ये जो शिवलिंग तुंगारेश्वर की नदी से पाया गया था, स्वयंभू स्वरूप है ये, और इसकी शिला संतोष रघुनाथ सुतार उठाकर लेकर आए थे और इस मंदिर में स्थापन किया है। और इन शिवलिंग को, इस शिवलिंग को और इस माताजी को, राइट, रोज़ सुबह अपना प्रणाम सूर्यदेव करते हैं, राइट? बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि ये जो छोटा सा मंदिर, जो मैंने, माताजी ने मेरे हाथ को इतना सौभाग्यशाली बनाया कि ये मंदिर मैंने बांधा था, राइट, मुझे भाग्यवंत बनाया माताजी ने, और मुझे ये मंदिर बांधने का लाभ दिया, राइट। मैं माताजी का हमेशा शुक्रगुजार हूँ, मैं शिव शंभो शिव शंकर का शुक्रगुजार हूँ, और मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ माता शेरावाली की, वैष्णो माता की, नवदुर्गा माता की, महिषासुर मर्दिनी की, पार्वती माता की, सती माता की और शिव शंभो की।
उसी तरह से मैं गणपति भी, मेरा गणपति के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, राइट। मैं साल में महाशिवरात्रि बहुत भव्य मनाती हूँ, फिर गणपति बप्पा का कार्यक्रम बहुत भव्य होता है मेरे यहाँ पर, उसके बाद में नवरात्र, माता जी की नवरात्र बहुत धूम धड़ाके से जश्न मनाकर हम करते हैं, और फिर लक्ष्मी माता का। साल के जो चार पर्व होते हैं, इस चार पर्व में जो पूजा प्रार्थना आराधना पाठ होती है वो मैं ज़रूर करती हूँ। धन्यवाद।